Hey guys, welcome back to MomComIndia vlogs. I wish you all a very happy, healthy and long life. कल करवा चौथ है, अभी बज चुके हैं रात के 11:30. मैंने अभी अपनी मेहंदी लगवाई है, बाहर किसी से नहीं लगवाई बिकॉज इस बार सेफ्टी फर्स्ट है. तो मैंने कीप मंगाए और इस बार मेरे मेहंदी वाले भैया बने मिस्टर सौरभ. सो मिस्टर हस्बैंड ने बहुत ही प्यार से मेरे इस हाथ पे मेहंदी लगाई. ये मेरा लेफ्ट हैंड है एंड आई एक्चुअली लाइक इट गाइज, इट इज सो नाइस. सो दिस करवा चौथ इज टर्निंग आउट टू बी सुपर स्पेशल फॉर मी एंड विल बी अ लाइफ टाइम मेमोरी. एंड अब सुबह उठेंगे और फिर सरगी खाएंगे. सनराइज होने वाला है सुबह एट अबाउट 6:30. तो मैं सोच रही हूँ कि 5:30 उठ के सरगी खा लूँ. तो अब सुबह मिलते हैं आपको सरगी के साथ. गुड मॉर्निंग गाइज. तो अभी बज चुके हैं सुबह के 4:56. तो हैप्पी करवा चौथ टू एवरीबडी. गेस व्हाट, मुझे मेरा सेकंड सरप्राइज मिला कि मुझे था मैं उठूंगी 5 बजे और मैं अपनी थाली रेडी करूंगी सरगी की, पर सब कुछ ऑलरेडी रेडी था. और उसके बाद मुझे उठाया गया. तो मैंने जल्दी से अपना कुर्ता पहन लिया, बिंदी लगा लिया, बैंगल्स पहन ली. मैचिंग बैंगल्स मेरे पास अभी नहीं थी तो मैंने यही पहन ली है. हाफ एन आवर में मैंने इसको रिमूव कर दिया था और अभी इसके ऊपर कोई ऑयल वगैरह नहीं लगाया. एंड अब आपको दिखाती हूँ सरगी में 7 चीज़ें क्या क्या रखी गई हैं. ये बाय सौरव है यार, जो मिला था वो रखा है. नहीं, तुमने बहुत अच्छा रखा. सो दिस इज़ ड्राई कोकोनट, दिस इज़ मेथी आलू, दिस इज़ मूंग दाल, दिस इज़ पापड़, दिस इज़ रोटी. ये अचार को आप इग्नोर कर सकते हो, ये साइड है. दिस इज़ बूंदी का लड्डू एंड दिस इज़ आइसक्रीम, जिसकी जगह मैंने बोला है कि इसे रिप्लेस कर दो, पता चले मेरा गला ख़राब हो जाए, और चाय दे दो. तो अभी चाय मिल रही है मुझे. इसमें क्या होता है कि जैसे मीठी सेवियाँ भी होती हैं दूध वाली, बट दूध वाली सेवियाँ हमारे पास नहीं थी. नहीं तो फिर नानी को आना चाहिए, वो नहीं बना सकते. हाँ, दूध वाली सेवियाँ नहीं हम कर सकते. नानी तो बहुत अच्छा बनाती है. लास्ट ईयर नानी यहाँ पे थी तो हमने वो खाई थी. बट ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 चीज़ें हो गई हैं. इसको अब हम इंजॉय करेंगे. और अभी तो सनराइज़ होने में बहुत ज़्यादा टाइम है, तो मैं आराम से इसे खाऊंगी और सौरभ को अब सोने जाने दूंगी. और अब मिलते हैं उठ के. हे गाइस, तो ऑलरेडी दोपहर के 1 बज रहे हैं और अब जाके मैं बैठी हूँ. मैं सुबह 9 o'clock उठी थी, 6 से पूरा थाली भर के खाया एंड फिर थोड़ा सा वॉक किया घर में, एटलीस्ट 20 मिनट्स वॉक किया. और फिर 6 o'clock में सो गई, 9 o'clock उठी. एंड अब कबीर की ऑनलाइन क्लासेस जल्दी हो जाती हैं, तो 10:30 पे उसकी ऑनलाइन क्लास थी. और फिर मैं थोड़ी देर उसके साथ आफ्टर क्लास के लिए बैठती हूँ कुछ एक्टिविटी करने. अपनी स्किन को अच्छे से मैंने मॉइस्चराइज कर लिया है बहुत सारा, क्योंकि अब हम करने जा रहे हैं मेकअप. ये है मेरा फाइनल लुक. मुझे तो ये लुक बहुत ही पसंद आ रहा है और ये मैंने खुद नहीं किया. आपने जिसका हाथ चलते हुए देखा पूरे मेकअप के दौरान, वो है मेरी बहुत ही डियर फ्रेंड शिवानी. हाय हाय एवरीबडी. सो शिवानी बहुत दूर से आई है मेरा मेकअप करने. आई थिंक ऑलमोस्ट 2 फीट दूर से आई है, क्योंकि हम दोनों बिल्कुल नेबर्स हैं. तो हमारा दरवाज़ा खुल जाए तो भी एक दूसरे के साथ लगता है, तो इतना पास हम रहते हैं. And Shivani makeup learn career by a professional and almost उसका course end होने वाला है. So she started exploring different makeup looks and she's also created an Insta page for herself and the name is Beauty Voyage by Shivani Chadda. And I hope you like the makeup and you like the look I have created today. Absolutely. In fact मैंने जो दुर्गा पूजा पे भी एक आपने देखा होगा ब्लॉग जिसमें मैंने थोड़ा सा मेकअप किया हुआ था ब्राउन सूट के साथ, वो भी शिवानी नहीं किया था. बट उस टाइम में हमें ज़्यादा शूट करने का टाइम नहीं मिला, तो हम उस टाइम डिटेल्स नहीं शेयर कर पाए. बट गो एंड चेक आउट हर पेज गाइस. शी इज गोइंग टू पोस्ट अ लॉट ऑफ मेकअप रिलेटेड ट्यूटोरियल्स, मेकअप रिलेटेड वीडियोज, मेकअप रिलेटेड पिक्चर्स. बेसिकली वट एवर शी इज लर्निंग शी इज गोइंग टू पुट इट आउट देयर. सो लॉट ऑफ यू जिनको मेकअप सीखना है, दे कैन गेट अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम हर. सो थैंक यू सो मच, आई रियली लाइक इट. थक गए ऑलरेडी बहुत ज़्यादा. इतनी जल्दी, कितनी जल्दी 5 बज रहे हैं और इतनी तेज़ प्यास लग रही है गाइस. आप बाहर देखोगे ना तो इतना पोल्यूशन है जिसकी वजह से इतनी तेज़ प्यास लग रही है. ओ माय गॉड, इट इज़ टर्निंग आउट टू बी सच अ डिफरेंट. बट मुझे जहाँ तक लगता है पानी पीना अलाउड है. नहीं है लोग। 5 बज गए, अब 9 बजे में सिर्फ 4 घंटे रह गए हैं। सो बस अब हम तभी करेंगे। गाइज प्लीज़ फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम टू सी बूमरैंग्स एंड पिक्चर्स ऑफ अस, सो प्लीज़ डू दैट। जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको सबसे पहले एक्सेस मिलता है ना। हाँ ऑफ कोर्स, उनको तो ऑलरेडी पिक्चर्स मिल चुकी हैं। अभी आप लोगों को तो व्लॉग कल मिलेगा, बट मतलब आज मिल रहा होगा, बट उन लोगों को इंस्टेंट पिक्चर्स मिल गई। सो प्लीज फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक। अभी का क्या प्लान है? अभी का ये प्लान है कि अभी मैं जाऊंगी अपना शिवानी के घर में, वहाँ पे जाके मैं पूजा करूंगी, क्योंकि नीचे भी उन्होंने पंडित जी को बुलाया हुआ है। और मेरी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है जाने की, इतने सारे लोग मैं देख के आई हूँ। अभी एक चक्कर मारने गई थी, तो वहीं पे जाके शिवानी के घर में पूजा कर लूँगी एंड देन वील कम बैक एंड फिर हम वेट करेंगे। और रात को खाने में क्या है सौरभ, तुम अपना लुक भी तो दिखाओ, ये ऑल्सो सो ड्रेस्ड अप। सो गाइस ये देखिए, ये है हमारे मेहंदी वाले भैया। सही है बेटे। नहीं, पर मैंने इंस्टाग्राम में सौरभ की मेहंदी अप्लाई करते हुए का वीडियो डाला और इतने लोगों ने सौरभ को अप्रिशिएट किया। एंड और मुझे ना काफ़ी टाइम से ये था कि भाई मुझे एक बार करना है, कैसे करते हैं। हाँ। तो काफ़ी क्यूरियोसिटी थी और मुझे लगता है कि अगर मैं सेकंड हैंड भी कर लेता तो मैं और ज़्यादा बेटर हो जाता। तो कबीर भी उस टाइम पे डिस्टर्ब कर रहा था, वो बिल्कुल करने नहीं दे रहा था। शिवानी आगे होगी, तो उसके साथ मिलकर ये करना पड़ा। अच्छा मुझे नहीं पीना है, मैं मानसी को बोल रहा हूँ और मानसी कह रही कि पीना पड़ेगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे इस टाइम पे नहीं पीना है, पीना पड़ेगा। और कबीर को पार्क में लेके जाना है। आज में सारी बातें माननी पड़ेंगी। पियो नींबू पानी, अच्छा है, तो बहुत चांद निकलने के बाद पीते हैं ना। कोई बात नहीं, चांद तो आ चुका है ना, एज पर यू। ओके, व्हाट इज दिस एक्शन? Mother's Day and Dadu Thummi Day and it's a Mother's Day. Okay, any other day? And what else? Sammu Day. Father's Day. No Father's. नहीं, हमको तो पता ही नहीं है दादा। थोड़ी cold. नहीं, बट कबू cool लग रहा है, उसके शूज बड़े cool लग रहे हैं। Yes. और कबू की जो ये पुलोवर शर्ट है वो बड़ी cool लग रही है। चलो कबू पार्क में खेल के आते हैं। और गाइज हर साल की तरह इस साल भी चांद छुपा बादल में कुछ पंगा करता हुआ, थोड़ा डिले करता हुआ, सबको तंग करता हुआ। बिल्कुल काफ़ी टाइम हो गया है और हमें नहीं पता कि छुपा हुआ है। मेरे को तो लगता है कि नोएडा में इतना ज़्यादा स्मॉग हो रखा है कि शायद दिख ही नहीं रहा है, बट लेट्स सी क्या होता है। मानसी जो है वो काफ़ी मतलब बिल्कुल टायर्ड हो गई है और आई कैन एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड। तो मैं चाहता हूँ कि फटाफट जो है वो चांद जी आ जाए और मानसी का व्रत जो है वो टूट जाए और उसको अच्छा अच्छा खाने को मिले। इतनी खुशबू आ रही है खाने की गाइस, मैं बता नहीं सकती। हमने मंगाया हुआ है गोलगप्पे, भल्ला पापड़ी, टिक्कियाँ, तो बच्चे खा रहे हैं बट मानसी के लिए वेट हो रहा है। मैंने भी नहीं खाया, मैं भी मानसी के साथ खाऊंगा, बट गोलगप्पा टिक्की जो है वो तो बनता है करवा चौथ के दिन। मतलब वेट नहीं हो पा रहा कि करें और उसके बाद आए और मतलब, और स्पेशली ये लास्ट के जो कुछ मिनट होते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा बिल्कुल बेतावला कर देते हैं कि भाई कब आएगा। हर मिनट और इधर उधर से फ़ोन आना भी स्टार्ट हो जाता है। मानसी को जैसे मम्मी का फ़ोन आया था कि भाई आ गया, किस टाइम पे आ रहा है, क्या है। नहीं, वो कह रहे हैं नोएडा में पहले आ गया है। अच्छा, और अब फिर दिल्ली में भेजो। तो नोएडा में आके ना जा चुका है मानसी, फिर क्या करें हमें नहीं पता। मैं तो खा लूँगी थोड़ी देर बाद, देख के शायद दिल्ली जाना पड़े, बट आई विल डू दैट।